नमस्कार, किरण रेसिपी में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। आइए देखते हैं ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। बारीक कटी हरी मिर्च एक, नमक स्वादानुसार, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको धोकर साफ कर लें और इस तरीके से काट लें, और उबले हुए थोड़ा मटर ले लें, कद्दूकस किया हुआ अदरक और एक चम्मच लाल मिर्च, और चार उबले हुए आलू ले लें, और पाँच छः पीस ब्रेड की स्लाइस ले लें, और थोड़ा पानी ले लें एक कटोरी में। एक बाउल ले लें, उसमें आप ये आलू जो उबले हुए आलू हैं इनको डालें और इनको मैश कर लें थोड़ा। आलू हमारे मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें ये सब मिला देंगे। हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक डालेंगे स्वादानुसार, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और मटर उबली हुई, और अदरक कद्दूकस किया हुआ, और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। डाल के इसको अच्छे से मैश कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब ब्रेड की स्लाइस ले लें ऐसे, और इस स्लाइस को पानी में डीप करें और उसको दबा लें हाथ से अच्छे से ताकि इसका पानी निकल जाए सारा। इस मसाले को ब्रेड में इस तरीके से डालें और इसको ऐसे फोल्ड कर दें, सब अंदर को बंद कर लें और इसको अच्छे से अब दबा लें। इस तरीके से इसका रोल बना लें अच्छे से। इसको अच्छे से दबा लें। इस तरीके से आपका बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके सारे ब्रेड का आप इस तरीके से बना लें। पानी को बिल्कुल अच्छे से निकाल लें। चाहे तो इसको आप अंडाकार तरीके से भी आकार दे सकते हैं, गोल ऐसे। इस तरीके से आप सारे रोल बना लें, तैयार कर लें, और इनको फिर हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करेंगे सबसे पहले गैस को ऑन कर लें। इसमें कढ़ाई रख लें और इसमें हमने ऑयल पहले से लिया हुआ है, इसको गर्म कर लें अच्छे से। अभी तेल हमारा गर्म हो चुका है। ब्रेड का एक चूरा डालकर देख लें इसे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ब्रेड रोल डालेंगे धीरे से। और इन्हें सुनहरा होने तक अच्छी तरीके से डीप फ्राई कर लें। इनको सुनहरा होने तक तल लें
देख लें अच्छी तरीके सुनहरे हो गए, उनको पलट भी लें ऐसे। अब ये रोल हमारे बनकर तैयार हैं, गैस को बंद कर दें, एक प्लेट में इनको निकाल लें। अब ये रोल बनकर हमारे बिल्कुल तैयार हैं, इसको हम इस प्लेट में रखेंगे। ब्रेड रोल बनकर तैयार हैं, आप इनको नाश्ते के साथ ले सकते हैं गरम गरम। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपने अनुभव किरण से रेसिपी पर शेयर करना न भूलें।